नमस्कार, मेरा नाम है निशा सिंह। राहुल गांधी का चक्रव्यूह वाला बयान तो आप सभी को याद ही होगा। बजट सत्र के दौरान उन्होंने जब ये बयान दिया, उसके बाद खूब हो हंगामा और हल्ला देखने को मिला। दरअसल चक्रव्यूह वाला बयान इसलिए बहुत ज्यादा सुर्खी में आया क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर इसको बीजेपी के साथ जोड़ दिया। उन्होंने बोला कि चक्रव्यूह पर जब मैंने रिसर्च किया तो इसका मतलब आया पद्मव्यूह जिसका आकार कमल की तरह होता है। तो हजारों साल पहले जिस तरीके से अभिमन्यु को 6 लोगों ने मिलकर उनके लिए चक्रव्यूह बनाया और उन्हें मार दिया, अब कुछ इसी तरह का चक्रव्यूह अब भी देश में देखने को मिल रहा है, जिस चक्रव्यूह में भारत की महिलाएं, बच्चे, किसान, छोटे कारोबारी फंसते नजर आ रहे हैं। आज के चक्रव्यूह में भी जो 21वीं सदी का जो चक्रव्यूह है, साल 2024 का जो चक्रव्यूह है, उसमें भी 6 लोग हैं। अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अजीत डोभाल हैं, अडानी हैं, अंबानी, इन तमाम लोगों का जिक्र कर दिया। अब इस पूरे मामले में नया अपडेट क्या है? नया अपडेट ये है कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है, एक्स पर उन्होंने अपना बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें ईडी के अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिली है कि उनके यहाँ पर रेड डालने की कोशिश की जा रही है। तो अंदरूनी सूत्रों ने ये जानकारी दे रहे हैं कि उन्हें उनके यहाँ पर रेड डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाएं फैलाकर मैं आपका स्वागत करता हूँ, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से होगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? चक्रव्यूह को लेकर लगातार जो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।